The Daily Show with Muneer Memon. रोजाना आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। तस्करा हो रहा था जो स्वाद के हवाले से सूरत हाल में तब्दीली आई और वहां पर एक बार फिर से अमन अमान की सूरत हाल में खराबी पैदा हुई और साथ में ये भी देखा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो ओवरऑल सियासत है उसके हवाले से एतजाज हसन साहब ने जो बयान दिया उसके बाद से काफी सारी बहस छिड़ चुकी है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन करें सीनियर सहाफी और तजिया निगार जनाब राना अजीम साहब। सर इनसे जानते हैं कि जो एकदम तब्दीली हुई है, पहले तो स्वाद के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रान साहब पहले तो गुफ्तगू कर लेते हैं स्वात के हवाले से। हम देख रहे थे कि स्वात में बड़े दिनों बाद, बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी कुर्बानियों के बाद वो अमन कायम हो सका, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हालात फिर से एक बार खराब हो रहे हैं या खराब किए जा रहे हैं। देखिए मुझे जो चीज लग रही है कि हालात खराब किए जा रहे हैं, लेकिन एक चीज सर जिसमें सब खुशाइंदा है वो चीज ये थी कि अब पूरी कौम एक पेज पे हो गई है। बिल्कुल, पहले दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़ती थी पाक फौज, पहले दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ला रही थी हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे, अब पूरी कौम चाहती है कि दहशतगर्दी का खात्मा हो। अब लोग खुद सड़कों पे निकल आए हैं, अब लोग खुद अमन के दाई हैं, लोग चाहते हैं कि दहशतगर्दों को किसी सूरत में पाकिस्तान के अंदर कोई गुंजाइश ना मिले, किसी सूरत में उन्हें माफी भी ना मिले, उनका वजूद यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए। और समाज के अंदर जो हुआ है, जितना आवाम ने रिएक्ट किया है, जितना लोग बाहर निकले हैं, इसके बाद आप सबको एक चीज का अंदाजा हो जाना चाहिए कि यार फैसला कौम कर चुकी है कि वो किसी सूरत में भी स्वात की तारीख में इस तरह से कौम का निकलना और खुद से निकलना किसी भी हवाले से ये तारीख में कभी देखा नहीं गया। इस बार अवाम निकली भी, अवाम ने एहतजाज भी किया, अपने अपने मुतालबात भी रखे और उनको मनवाया भी आकर। बिल्कुल मनवाया भी और बाहर निकले, बाहर निकल के अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और रिकॉर्ड कराने के बाद एक मैसेज दिया है और ये मैसेज दिया उन्होंने उन तमाम जमातों को, तमाम कुव्वतों को जो किसी ना किसी तरीके से शायद किसी को लाना चाहते थे, उनको एक मैसेज दिया। और इस मैसेज के बाद तो आप ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई अब तसव्वुर में भी लाएगा कि हम वहां पर कोई ऐसा सिस्टम बना लेंगे या कोई पाकिस्तान के अंदर उनका दफातर किसी का कायम कर देंगे, किसी को माफी दे दी जाएगी या कोई मुजाकरात की टेबल में बैठा जाएगा, तो मैं नहीं समझता कि आप कौम किसी को ये बैठने देगी। कौम चाहती है पाकिस्तान पूरा मनो, कौम चाहती है कि जो शहादतें पाकिस्तान के फौजी जवानों ने दी, अफवाज पाकिस्तान ने दी, पाकिस्तान की कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दी, इसके साथ जो आम आवाम ने शहादतें दी अपनी, अब उनको ट्राई नहीं करना चाहते, उन पर हम जिसे कहते हैं ना कि किसी को खेलने नहीं देंगे उसके साथ। अब हालात चेंज होंगे और ये बहुत बड़ा जितना मर्जी कोशिश कर ले कि मीडिया ने नहीं दिखाया उसे, लेकिन जिस मीडिया ने नहीं दिखाया उससे ज्यादा सोशल मीडिया ने दिखाया है और सोशल मीडिया पे चलने के बाद तो एक एक शख्स की जुबान पे आई। लेकिन राणा साहब एक चीज आपने खूब कही कि आवाम तो निकली, आवाम ने रद्दअमल भी दिया, लेकिन हमारी सियासी अशराफिया जो है आज भी इस पे सियासत करती हुई दिखाई दे रही है, कोई हिकमत अमली नजर नहीं आ रही, कोई ऐसा काम, ऐसा स्टेटमेंट नजर नहीं आ रहा जो तामीराती हो इस एतबार से। आप देखें फिर आप और सियासी जमातों के नाम ले रहा, फिर मैं नाम लेता हूँ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इन दोनों की तरफ से कोई एक बयान, इन दोनों सियासी जमातों की तरफ से कोई शख्स वहां गया हो, इन दोनों सियासी जमातों की तरफ से कोई रद्दअमल आया हो, अब आवाम जहन में रखिएगा, बहुत समझदार लोग हो गए, रिजेक्ट कर देंगे हर उस शख्स को, रिजेक्ट कर देंगे हर उस सियासी जमात को जो अब आवाम के मफादात के साथ, आवाम के अमन के साथ और इस पाकिस्तान के साथ तलवार की कोशिश करेगी, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये सियासी जमात से और सियासी जमातें जो खेल खेलना चाहती हैं या सियासी जमातें जो अगर इसे सियासत के इस्तेमाल करना चाहती है तो आवाम उन्हें भी मुस्तक कर। आपको लगता है राणा साहब ये जो पावर कॉरिडोर में तब्दीली हो रही है इस हवाले से भी कुछ इसके असरात हैं कि शायद इस वक्त फोकस इस तरफ नहीं है और हम शायद भटकते जा रहे हैं दूसरे मौजूदात की तरफ? मुझे लगता है ये सब प्लानिंग के तहत हो रहा है, बस मेरा एक ही लफ्ज़ बहुत है आपको बिल्कुल बिल्कुल मेरे ख्याल से आपने बड़ा खूब अंदाज से इसको समराइज कर दिया। राज साहब दूसरी तरफ आते हैं, आपने सियासत का भी तस्करा किया, सियासत के मैदानों से भी जो इतलात है वो ज्यादा मुस्बत नहीं आ रही। सीनियर कानूनदान जनाब एतजाज हसन साहब ने जो स्टेटमेंट दिया शरीफ फैमिली के हवाले से, उनके केसेस के हवाले से, उनके केसेस की हैंडलिंग के हवाले से, इस बयान ने तो इस वक्त पूरी सियासत में कोहराम मचा दिया है। क्या आप एज ए सीनियर तजियाकार, एज ए सीनियर साफी इस स्टेटमेंट को किस तरीके से देख रहे हैं?
यदि अगर आप आज से कोई 10 दिन पहले का एक मेरा व्लॉग और मेरा प्रोग्राम निकाले तो मैंने कहा था कि 11 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान के हालात इस तेजी से बदलेंगे कि कोई सोच नहीं सकता। और सियासत जो है ना वो किसी और जगह हो जाएगी। और कल 11 थी, कल का बयान था और कल की इसकारी काफी 12 मिनट थे और आने वाले दिनों में ऐसी 12 मिनट होगी। आज अभी मैं खान साहब इमरान खान साहब के प्रोग्राम में था और उनके साथ ही स्टेज पे था तो साफियों की इंसिस थी, तो उसमें खान साहब ने भी आज बड़ी मजेदार बात की है। उन्होंने कहा जी के सारा बर्डन मुझ पे था, इल्जाम मुझ पे थे और लेकिन इख्तियार मेरे पास एक रत्ती के बराबर भी नहीं था। ये लफज आज खान साहब ने कहा, ये बड़ी अहम बात है। और कुछ इसी तरीके की बात मुराद सही साहब ने भी की है, मरदान में जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें मुराद सही साहब ने भी इसी हवाले से गुफ्तगू की। लेकिन आपको नहीं लगता कि एतजाज अहसन साहब जो कि इतने सीनियर आदमी हैं, उन्होंने अगर कोई बात बोली है और जब नून लीग से रद्द अमल भी आया तो वो अपने मौकफ पे स्टैंड कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं किसी भी फोरम पे जाके इस बात को कहने के लिए तैयार हूं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो मामला है जो शायद अभी आम आवाम नहीं देख पा रही। देखिए मामला जो भी हो या आपको पता है मुझे पता है, फिर वो कह रहे हो कि हम चैनल्स के लोगों को बड़ी पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। हमारी जबान जो होती है ना उसके ऊपर कई ताले लगे होते हैं, जब एक ताला खुला होता है और उसका जो खुला ताला जितनी इजाजत देता है हम उतनी बात कर देते हैं। तो ये बात तो चल पड़ी है, किसी तरफ जाएगी। और क्या ये इस बात की तरफ इशारा देता है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है एतराज हसन साहब का, तो कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी के भी बड़े सारे जो सीनियर रहनुमा उनकी सोच की एक्कासी भी हो सकती है, या महज ये एतराज हसन साहब का इनफरादी अमल है और उसको उसी नजर से देखना चाहिए। देखिए एतराज हसन साहब के जो गुफ्तगू है उसको अभी तक पीपल्स पार्टी के अंदर से किसी ने मुस्तरद नहीं की, एग्जैक्टली किसी ने उस पर तरतीब नहीं की, किसी ने किसी प्रोग्राम में ये नहीं कहा कि इतराज हसन का साथी फेल है, लफ्ज किसी ने नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। सेन में लिखी है क्या, जब ये लफ्ज किसी ने नहीं कहा तो कहीं से बात चली और कहीं भी आई और जिसके वजह से चली पर आई, और जो इस बात को सुनने वाले जो लिखने वाले जो कहने वाले जो बोलने वाले जो आगे पहुंचाने वाले वो तो साथ खड़े हैं उसके। तो ये आपको नहीं लगता कि माजी में तो इस तरह के काफी सारे बयान पीपल्स पार्टी खुल के दिया करती थी, ओपनली दिया करती थी शरीफ फैमिली के उनके केसेस के हवाले से, तो शायद दूसरा चारा भी नहीं था कि उसको उसके ऊपर खामोशी रखी जाती, ना हाँ में कुछ कहा जाता ना में कुछ कहा जाता। मेरी इतला भी यही है और मेरा एक सियासी तजर्बा भी यही है और मेरे पास जो बहुत सी इतला इंफॉर्मेशन सियासी तजर्बा और ये देख ले कि माजी की कुछ दलीलें ले ले सब वो भी यही है कि किसी हर कैसी जमात अपने किसी बड़े अहम बंदे से कोई ना कोई बात कहलवा देती है। सही, वो किसी होती बात किसी तक पहुंचाने के लिए होती है तो वो बात पहुंचा दी जाती है। आप जेहन में रखिएगा कि मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ और या मरियम नवाज उनको रिलीफ मिलना और उतना खतरा उसके लिए पीपल्स उसके इमरान खान के लिए जितना पीपल्स पार्टी रखिएगा। बिलावल भुट्टो सरदारी अगले वजीर आजम की तैयारी कर रहे हैं और अगर मरियम के केसेस खत्म होके मरियम इलेक्शन लड़ सकती है तो मुस्लिम लीग नोन फिर उनको भारी क्यों देगी। बिल्कुल सही, यही बड़ा अहम मौजू था और आपने बिल्कुल उसी तरफ निशानदेही भी कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब, आपने वक्त दिया और अपने मौकफ से आगाह किया। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी सूरत हाल है कि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपस में सालों साल एक दूसरे से दस्तक गुरेबा होते हुए नजर आए, और अगर इस वक्त की सिनेरियो को कुछ देर के लिए माइनस कर दिया जाए कि तहरीक इंसाफ फैक्टर है तो ये बात फिर यकीनी है कि पीपल्स पार्टी इस बात को समझती है, महसूस करती है कि शायद आने वाले दिनों में एक बार फिर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बमुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो सकता है। ये मुमकिनात में से शामिल है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे किसी ना किसी फेस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून के बरखिलाफ पॉलिसीज अपनाते हुए बयानियां अपनाते हुए अपनी सियासत को आगे की तरफ परवान चढ़ाना होगा, जो कि माजी में होता रहा। माजी में यही कुछ देखा गया, बहुत बार बिछड़े बहुत बार मिले और इसके बाद जो आखिर में जो सूरत हाल होती थी
रूठना मनाने के बावजूद अपना अपना बयानिया वो वहां पे मौजूद रहा। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से किसी प्रोग्राम में किसी किसी फोरम पे इस बात को इंडोर्स नहीं किया जाता कि उनके जमाने में जो मुस्लिम नून पे केसेस बने, या मुस्लिम नून की जानिब से भी कहा जाता है कि उनकी जानिब से जो केसेस उनके दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर बनाए गए वो तमाम तर केसेस से वो अपने आप को मुस्ताफिज करते हैं और उससे बैकआउट करते हैं। हाँ, अदालतों में गुंजाइश पैदा की जाती है, ये बात जरूर है कि जब केसेस की पैरवी की बात होती है, जब मामलात को चलाने की बात होती है, जब उनको साबित करने की बात होती है, तो शायद दोनों फरीकैन उस तरीके से एक्टिव नजर नहीं आते। शायद कुछ मामलात हैं जो पसे पर्दा हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने मेजबान मुनीम को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।